ब्रोकर पे अकाउंट खुलवाया, उसने मुझे एल्गो दिया, ये स्ट्रेटजी दी और पैसा बनना स्टार्ट, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता। ट्विटर पे आजकल बहुत सारी स्टोरी भी चल रही है कि भाई उसने इतना कमा लिया, उसने उतना कमा लिया, लेकिन जो हार गए उनकी भी तो स्टोरियाँ होती होंगी कुछ ना कुछ। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं है तो आई थिंक और भी बहुत सारे बिजनेस है उसमें हाथ जमाना चाहिए। आज के मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि इक्विटी में काम कम होता है, डेरिवेटिव में ज्यादा होता है। तो आज हमारा ये पहला वीडियो है डेरिवेटिव मार्केट के लिए, जिसमें हमारे साथ में मौजूद है विनीत जी एंड राहुल जी, जो कि डेरिवेटिव एक्सपर्ट है और पिछले 20 सालों से इस मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आज उनसे जानते हैं कि उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा है और उन्होंने इस डेरिवेटिव मार्केट में कैसे ग्रोथ पाई है। तो सर बताइए, मार्केट में आजकल बहुत लोग एक्साइटेड रहते हैं डेरिवेटिव मार्केट के लिए, जितने भी नए यंग जनरेशन के लोग आ रहे हैं, जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद से कई लोग आए हैं इस मार्केट में, किस हद तक ये सही है कि पहले ही डेरिवेटिव मार्केट में घुसना? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स शिवाल जी फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, डेरिवेटिव मार्केट के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये एक बहुत ही वाइड सेगमेंट है और बहुत ही अट्रैक्टिव सेगमेंट है, जिससे कि लोग बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा पैसा और बहुत जल्दी बन सकता है, इसलिए लोगों का अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है इस तरफ। अब इसमें स्पेशली डेरिवेटिव के अंदर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो हम स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडर जैसे राहुल जी के साथ, राहुल जी और हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा रखते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही हमारा मेन थीम है। अब आप पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन करेंगे तो मैं पर्टिकुलर आंसर दे पाऊंगा, एट रैंडम तो ये समझाने के लिए वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आप प्लीज पर्टिकुलर क्वेश्चन कीजिए जो कि मैं रिप्लाई कर सकूं। ओके सर, तो जैसे कि आपने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं जी, और आजकल जो नए लोग भी आ रहे हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग की ही तरफ जा रहे हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में, ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों का मानना है कि कम पैसा लगा के हम ज्यादा पैसा बड़ा बना सकते हैं, तो ये कहां तक सही है नए लोगों के लिए? देखिए, इस बात में कुछ ना कुछ हकीकत तो है शिवाल जी, जो लोग आ रहे हैं, लेकिन कितना पैसा लगा के कितना बना सकते हैं ये एक बड़ा सवाल है। अब आप सोचे कि मैं 1,00,000 रुपए लगा के 10,000 रुपए महीना बना सकता हूँ, तो ये बहुत मुश्किल है। आप सोचे कि मैं 5,000 रुपए डेली निकाल सकता हूँ, तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी कैपिटल पे, आप कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं और कितना पैसा आप डेली बेसिस पे बनाना चाहते हैं। ये बहुत ही प्रोपोर्शनेट तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, तब ये पैसा बन सकता है। ओके तो राहुल जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस मार्केट को लोग इस तरीके से देखते हैं कि ये जैसे एटीएम मशीन हो, कि हम 50,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और हर दिन 1,000 रुपए कमा लेते हैं, ऐसी कोई स्कीम बताओ कि 1,000 रुपए पर डे की कमाई होने लगे 50,000 रुपए लगा के, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा होता है? सर, ऑप्शन ट्रेडिंग में सब कुछ होता है। ओके, आप 50,000 लगा के, इवन 50,000 भी एक दिन में आपको आ सकते हैं जी। एक डायलॉग आपने सुना होगा, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान जी, तो पर्टिकुलर दिनों में तो कुछ भी हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि आप 50,000 लगाओ, आपको 5,00,000 भी बन जाए, 10-10 गुना भी होते हैं, 20-20 गुना भी होते हैं जी। लेकिन लॉटरी का टिकट है। ओके, और लॉटरी तो देखो किसी ना किसी की तो लगती है, ऐसा तो है नहीं कि लॉटरी लगती नहीं, तभी तो धंधा चल रहा है जी। लेकिन क्या आप वो लॉटरी खेलने के लिए तैयार हो? ओके, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि अगर आपकी लॉटरी का नंबर नहीं लगा तो आप अभी भी स्टिल लॉटरियां खरीदते चले जाओगे? क्या आप में इतना पेशेंस है कि भाई लगातार आप लॉटरी खरीदते जाओ और वो जब भी निकलेगी तभी आपको वो होगा, फायदा मिलेगा, लेकिन आप में लॉटरी खरीदने के लगातार पैसे लाने पड़ेंगे? अगर ये हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है कि आप लगातार पैसे लाते रहो, आप यहाँ पे दिए जाओ, मार्केट थोड़ा थोड़ा करके लेती जाएगी, जब भी आपकी किस्मत चमकेगी आपको मोटा पैसा बन जाएगा। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि ये लॉटरी का टिकट आपको रोज लेना है, रेगुलर लेते जाना है, तो इसका मतलब तो ये है कि एक आदमी जब 50,000 रुपए की कैपिटल लेके घुस रहा है तो उसमें से कुछ अमाउंट ही एक लॉटरी में लगा है, ऐसा नहीं है कि पूरा 50 का 50,000 एक ही लॉटरी में। वो तो अब देखो, अगर लॉटरी की तरह बात कर रहे हैं इसे, तो लॉटरी की तो कई सारी टिकटें खरीदनी पड़ती है ना, आप एक ही नंबर पे कैसे दाव लगाओगे? तो अगर मान लीजिए कि हमने 50,000 रुपए में 100 लॉटरी की टिकट खरीदी और अज्यूम करते हैं कि 500 रुपए एक लॉटरी में लगाया और उसकी प्रोबेबिलिटी हम कंसिडर करते हैं कि अगर 1 रुपए पे 100 रुपए बन रहा है और हमने 100 ही लॉटरी खरीद ली जिसमें से एक नंबर आने वाला है, तो उसको तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा सर। सर, इसमें एक समस्या और आती है जी, कि पैसा तो हो जाता है आपका, 10 गुना भी हो जाएगा, 20 गुना भी हो जाएगा जी, लेकिन समस्या ये आती है कि वो हम सह नहीं पाते। ओके, जब प्रॉफिट आना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, लॉस तो हम सह लेते हैं जी, लॉस तो आप सहलवा लो जो मर्जी जी, लॉस में तो आप
कैपिटल भी चली जाएगी, सारी जमा पूंजी भी चली जाएगी, इवन लोग बाग घर बार भी चले जाने को तैयार है, वो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, सब सह भी लेते हैं कहीं ना कहीं। समस्या है सबसे बड़ी प्रॉफिट की, प्रॉफिट मिस आ जाता है किसी भी हाल में। ओके, एक बार प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, हमारे 10,000 के 12,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, फिर तो दिमाग में ये रहता है कि किसी तरह इसी को बस बुक कर लो कि अपना पैसा आना चाहिए, चाहे वो आपका होने वाला हो 1.5 लाख। लेकिन वो प्रॉफिट जो ना सहने की क्षमता है ना, ये कहीं ना कहीं लोगों को, मेरे को लगता है, ज्यादा लॉस में डाल देती है, बजाय इसके कि उनकी लॉस सहने की क्षमता कम है। ओके, वो शुरुआत तो यहीं से होती है कि भाई हम लॉस नहीं सह सकते, लेकिन खत्म होती है कि हम प्रॉफिट नहीं सह सकते। तो सर, जैसा सर ने बताया कि प्रॉफिट नहीं सह सकते, इसकी क्या तरकीब है कि प्रॉफिट सहन? ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आप इसको समझिए एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जिस तरह से हम समझते हैं कि एक टेक्निकल मार्केट है, ऐसा नहीं होता। इसमें आपके सेंटिमेंट्स बहुत काम करते हैं, इसमें जितनी टेक्निकल चीजें आपकी काम करती है आज के डेट में समय में, तो आप जैसे आप जानते हैं, ब्रोकर पे अकाउंट खुलवाया, उसने मुझे एल्गो दिया, ये स्ट्रेटजी दी और पैसा बनना स्टार्ट, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसमें जो मनोविज्ञान है, एक आदमी की जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा काम करती है। सपोज जैसे उन्होंने बताया, ट्रेड आपने लिया, एल्गो ने ट्रेड ले लिया, अब सपोज इट इज मेकिंग लॉस, स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, चलिए लॉस हो गया, लेकिन जब वो प्रॉफिट आने लगता है तो वो एक, जब तक आपकी साइकोलॉजी इवॉल्व नहीं होती तो आप वो प्रॉफिट जो है ना वो बर्दाश्त ही नहीं होता है। आदमी वो पैसा बना ही नहीं पाता है। वो जैसे ही आपका पैसा, एक आप इस तरह से समझिए शिवाल जी, एक व्यक्ति पे 10,000 रुपए जो कैपिटल लेके आया, जैसे ही उसका 10 का 15 होता है, आप समझिए 50% की ग्रोथ सेम डे, क्या उसका एपेटाइट है वो ये चीज बर्दाश्त कर पाए? नहीं, टेक्निकली तो नहीं। अब कोई कर लेता है तो वो पैसा बनाता भी है। एक्सेप्शन तो सब का मौजूद है, एक्सेप्शंस का क्या है? आप एक्सेप्शंस पे गेम नहीं खेली जा सकती ना। आप ये नहीं कर सकते कि भाई हाँ ठीक है, एक बंदे ने बना लिए थे, मैं भी ये कर लूंगा। कुछ चीजें इस तरह से मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दूसरे ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। ये बात एक मोटिवेट होने के लिए अच्छी है, लेकिन आई थिंक ये ट्रेडिंग में इतनी कारगर नहीं है। किसी ने क्या कर लिया, किस कीमत पे कर लिया, कैसे कर लिया, उसके क्या हालात थे, क्या अलग फैक्टर थे, बहुत सारी चीजें अलग है। आप सिर्फ एंड रिजल्ट देख के ये नहीं कह सकते कि भाई उसने उसके हो गए 10 गुना तो मेरे भी हो जाएंगे 10 गुना। और देखो, एक सिंपल सी चीज है मार्केट में कि ये वाली चीज तो सब लोग कहते हैं कि भाई अमीर बन जाएंगे। ट्विटर पे आजकल बहुत सारी स्टोरी भी चल रही है कि भाई उसने इतना कमा लिया, उसने उतना कमा लिया, लेकिन जो हार गए उनकी भी तो स्टोरियां होती होंगी कुछ ना कुछ। अगर सेबी को लिखना पड़ रहा है कि 90% लॉस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई डाटा तो उन पर भी मौजूद होगा। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा डरने की जरूरत है मार्केट से। जैसे हमारे बुजुर्ग, जो आज से मेरे ख्याल कोविड के टाइम से पहले जितने भी लोग थे, मेरे ख्याल कोई ऑप्शन ट्रेडिंग जानता भी नहीं था, इवन वो लोग भी जो शायद 20 साल से काम कर रहे थे, उनका तो सिंपल सा फंडा था, खरीदो और आगे बेच दो। आप अभी भी किसी उससे पूछेंगे जो उस टाइम के ट्रेडर रहे होंगे, उनको नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ना वो जानते हैं कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। और आज जो नए बंदे आ रहे हैं उनको ये नहीं पता कि इक्विटी क्या होती है, वो तो सीधा के भैया कॉल ये होता है, पुट ये होता है, सीधा यही खरीद लो, इसी में हमारे गुणा हो जाएंगे। इत्तेफाक ये हो रहा है कि कुछ के हो रहे हैं, पर उन्हीं 4 को देखी 400 लगे पड़े। मार्केट में किसी की देखने की जगह अपनी समझदारी से काम करना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं, या फिर इसके लिए कुछ ज्ञान की भी जरूरत है, मतलब इसके लिए कुछ पढ़ाई लगती है क्या? देखो, बेसिक तैयारी तो हर चीज की करनी पड़ती है भाई, ये थोड़ी है कि सीधा अब आपको मान लो तैरना सीखना है, ठीक है, तैरना तो पानी में कूदने से ही आएगा, लेकिन कम से कम पानी में कूदने के बाद क्या करना है, ये वाली कोशिश तो पहले कहीं ना कहीं सीखनी पड़ेगी, या तो अपने साथ किसी गुरु को रखिए जो सिखा सके कि भाई ऐसे ऐसे तैरना है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि भाई बुक पढ़ने से आपको तैरना आ जाएगा, ऐसे ही आपको खाली किताब पढ़ने से, वीडियोस देखने से, इन सबसे तो ट्रेडिंग आएगी नहीं, क्योंकि इनसे आप मोटा मोटी 1-2 मिनट के लिए तो मोटिवेट हो जाओगे, 1 दिन के लिए मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन दोबारा पानी के उबाल की तरह ठंडी हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी वो साइकोलॉजी जो है वो इवॉल्व नहीं होगी, वो समय के साथ ही आएगी, जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं उस समय के साथ ही। धीरे धीरे आपको कोई बढ़िया बुक्स पढ़ लेने से, बढ़िया वीडियोज देख लेने से ऐसा तो लगेगा कि हाँ भाई अभी होता रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। मोटिवेशन के साथ समस्या यही है कि ये आती बहुत तेज है, धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, चाहे जैसे भी मोटिवेशन। तो आपको ट्रेडिंग में इसी तरह से इन्वॉल्व होना होगा कि एज अ बिजनेस समझ के, जैसे आप कोई एक व्यापारी दुकान खोलता है तो ये थोड़ी करता है कि सीधा 1 लाख का माल लाया, आज यार मैं 10 लाख का बेच के मानूंगा, बिल्कुल ऐसा तो नहीं सोचता ना, वो 1 लाख का माल लाया भाई 1,000 का बिक जाए, 2,000 का बिक जाए, इस हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए, इस हिसाब से अपने काम को आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, जर्नी का मजा लीजिए, मंजिल पर पहुंच के क्या मिलना है। ओह दैट्स ग्रेट।
बहुत अच्छी बात है सर ने। तो जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा सा ज्ञान होना भी जरूरी है, नॉलेज लेने के बाद ही ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो एक और संदेह रहता है लोगों के मन में, लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं जब ऑप्शन मार्केट में या फिर डेरिवेटिव मार्केट में घुसते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि महीने का हम डबल कर लेंगे या फिर हम दो महीने में डबल कर लेंगे। तो व्हाट इज़ दी जेन्युइन परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो कि ऑप्शन मार्केट में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए समझदारी के साथ में? देखिए शिवाल जी, एक्चुअल में इट इज़ ए गेम ऑफ कंपाउंडिंग, और जैसा कि अभी राहुल जी ने बताया और हमारा सेबी भी यही कहता है कि 90% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। तो ये डाटा खैर हमारे पास तो नहीं है, हो सकता है ये सच हो। तो लॉस होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होती है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये समझ रहे हो कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना मार्केट से, वो बहुत ही रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब इसको रियलिस्टिक कैसे बनाया जाएगा? जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, इट्स योर कैपिटल। अगर आप अपनी कैपिटल का, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं और आपको नॉलेज है, तो आप 3-4% मंथली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम साइड। या अगर इससे ज्यादा तो फिर उस हिसाब से देखिए रिस्क भी बढ़ता जाता है, फिर आपका कैपिटल और आपका रिस्क मैनेजमेंट, फिर आगे ये जैसे आपने बोला कि भी ये थोड़े ज्ञान से नहीं होता, ये समय के साथ साथ, और इसके लिए आपको पूरा स्टडी भी करना पड़ता है, आपको डीप नॉलेज भी चाहिए, आपको अवेयरनेस भी चाहिए, आपको अपडेट्स भी चाहिए, आपको कब घुसना है कब निकलना है, आपको इक्विपमेंट्स भी चाहिए, आपको एल्गो भी चाहिए, हर प्रकार की रिक्वायरमेंट। ट्रेडिंग में आपको अपने दिल और दिमाग दोनों से लड़ना भी पड़ता है। कभी दिल कहता है कि भाई इतना आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ले ले, दिमाग कहता है कि कम से कम फायदा तो आ रहा है, ये तो बुक कर ले, लॉस में बैठा रहे। तो आपको इन दोनों से भी लड़ना है, तभी जाके आप एक उम्मीद कर सकते हो कि आप भी ट्रेडिंग में कुछ पाने वाले। प्लस एक चीज और जो ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें कभी भी रिटर्न जो है लीनियर नहीं होते। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने 10 लाख रुपए भी लगा दिए कि चलो जी चाहे मेरे को कम से कम कमाना है, मैं डेली का 10,000 ही कमा लूं, 10 लाख लगा के, या चलो मैं डेली का 1,000 ही कमा लूं, या इवन कोई ये सोच ले कि 10 लाख लगा के मैं डेली का 100 रुपए भी कमा लूं, लेकिन मानिए वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब डेली नहीं कमाया जा सकता किसी दिन, डेली भाई ये लीनियर कभी नहीं हो सकता। जो एवरेज मैंने बताया, आप इसको एनुअल ले सकते हैं, या वैसे तो आप पीरियडिक साल 2 साल के लिए, ये आपके मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। ये मंथली एवरेज है जो मैंने आपको बताया ना, बट इसका ये कहीं भी मतलब नहीं कि हर महीने ये आएगा ही आएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि साल के 11 महीने आप लगातार पिटाई खाते रहो, आपको लॉस में चलते रहो, और एक ही महीना आपका ऐसा हो कि जब आपको पैसा आना, जो भी आपके सिस्टम है, जो भी आपके तरीके है, उसके अकॉर्डिंग पैसा आना। तो सबसे पहला बशर्ते कि आप 11 महीने तक ट्रेड लगातार कर रहे हो, कंसिस्टेंसी हिम्मत है जो कि आप 11 एक चीज कंसिस्टेंसी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लगातार 11 महीने तक लगातार लॉस खाते रहो, वो पैसा आपकी जेब से धीरे 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 करके जाता रहे, और आप उसके बाद भी ये सोच के कि नहीं जी मेरे को अभी भी लगे ही रहना। तो अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं है तो आई थिंक और भी बहुत सारे बिजनेस है उसमें आता जमाना चाहिए। तो मतलब लॉयलिटी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए। इसके अलावा आपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, और जो एक चीज और थोड़ा सा वो करूंगा, लॉयल्टी में भी आपको धोखा मिल सकता है। ये भी हो सकता है आप 11 महीने तो पिटाई खा लो, फिर आप सोचो कि 12 महीने आने वाले हो, 12 महीने आपको 11 महीने का एक साथ फैल जाए, या जितना नुकसान आपको 11 में हुआ है 12 में सब मिला मिलोगे उतना ही नुकसान कर दे। तो लॉयल्टी में धोखे भी मिलेंगे, लेकिन ये भी सच है कि मौके भी इसी में मिलेंगे। तो लगे तो रहना पड़ेगा, अब बाकी तो देखो कुछ चीजें फिर किस्मत पे भी छोड़नी पड़ेगी कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप श्योर किसी चीज में नहीं हो सकते। हाँ यही बात है कि रिस्क तो हर जगह है, जहाँ पे रिस्क है वहीं पैसा है। बिल्कुल, और अगर आप रिस्क लेंगे तो उसी हिसाब से आपका पैसा भी बनेगा। हाँ, देखिए कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी, रिस्क मैनेजमेंट, इन सबको लेके चलना पड़ेगा। जहाज समुद्रों में जाके डूब जाते हैं जी, बहुत सारे डूब जाते हैं, हम सब ने देखे हैं आज तक सुने हैं कि बहुत बड़े बड़े जाल डूब गए, लेकिन उसके बावजूद भी किनारों के लिए थोड़ी बने हैं, जाना तो समुद्र में ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, डूब जाएंगे। बहुत अच्छी बात है बताई ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। हो सकता है कि आपको भी इससे काफी कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, और ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और हम इसी तरीके की अवेयरनेस आपके सामने लाते रहेंगे। हर बुधवार और शनिवार को हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक यू।